हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है कॉमर्स का सिलेबस। आपके सामने सर दिख रहे हैं जी, और हम दोनों आपको कंप्लीट सिलेबस का आज जो है वो डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। इसके साथ आज की जो स्ट्रेटेजी होने वाली है कि हम कैसे एचपीएससी का जो है सिलेबस कंप्लीट करेंगे, किस स्ट्रेटेजी के साथ जो है अपना इस एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले हैं, और क्या क्या चीजें, कितने सीट्स का नोटिफिकेशन आ चुका है ऑलरेडी, और कितने जो है इंडिया लेवल पर सारी की सारी जो है आप एग्जाम दे सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए आज की सेशन की, जिसमें डिटेल सिलेबस होने वाला है। एक चीज और मैं आपको बता देने वाला हूं कि आज से, ठीक है, आज से इसी चैनल पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आया है, कॉमर्स का सिलेबस सारा का सारा इस चैनल पर कराया जाएगा। रोज आपकी 45 से मिनट से एक घंटे की क्लास होगी और आपको 9 बजे रोज वीडियो मिलेगा, ठीक है जी। और सर इसके साथ साथ क्या चीजें होंगी, इसके साथ ये होगा कि हम लोग दोनों मिलकर आपके सिलेबस को कंप्लीट करवाएंगे। हमारे पे छमन सर है ना, देखिए इनका ये जेआरएफ क्वालिफाइड है, पीएचडी कर रहे हैं, तो आपको ये डर नहीं होगा कि सर आपको पढ़ाने वाले जो लोग हैं क्या वो एलिजिबल है कि नहीं। मैं खुद जेआरएफ हूं, उसके साथ 5 बार नेट क्वालिफाइड है, तो हम जो है आपको अपनी तरफ से डबल एफर्ट के साथ जो है आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। और टाइम भी बहुत कम है, इन तीन चार महीने में मुझे लगता है एग्जाम हो जाएगा। तो इन 3 महीने में जो पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है, उन सारे सिलेबस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, है ना। आइए शुरुआत करते हैं, पहले बेसिक डिस्कशंस करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कितने कितने वैकेंसीज आई हुई हैं और कितने सारा का चीज आपके साथ कॉमर्स वाला में होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। देखिए सर, वो सारा चीज डिस्कस करेंगे, उसके साथ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि ये जो कॉमर्स वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये सारा नोट्स जो यूट्यूब पे होगा हर दिन का लेक्चर्स का मैं यहाँ पे आपको डाल दिया करूंगा। इसके साथ साथ आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो कॉमर्स की सारी वैकेंसीज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टेट लेवल पर जितनी भी वैकेंसीज आएंगी यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराई जाएगी। और ये आपका नंबर है, इस नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारा नेट वाला भैया ऐप, आप प्ले स्टोर पे जाएं, नेट वाला भैया लिखें और वहां पे आप अपना ऐप डाउनलोड करें। वहां बहुत ही जल्द हम इस एचपीएससी के लिए भी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, और ये यूसी नेट, टीजीटी, पीजीटी और सेटजेट का कोर्स ऑलरेडी लॉन्च है, तो आप उसको वहां पे जाके देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि सर कितनी वैकेंसी आई है, वैकेंसी जो है वो ऑलरेडी आपके पास 153 है कॉमर्स के लिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है। पता नहीं 5 साल से हरियाणा में वैकेंसी नहीं आई है ना, तो ये वैकेंसी जो है आपके लिए अच्छा मौका लेके आने वाला है। और इसके साथ साथ जो है आपका 94 वैकेंसी है जो जनरल वाले भर सकते हैं। कितनी वैकेंसी है ना, 94, 94 सीट कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा सीट है। इंडिया लेवल पे फाइट होगी, इंडिया लेवल पे फाइट होगी। देखिए एक तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो सिलेबस रखा गया है ना, वो सिलेबस बड़ा मजेदार है। मतलब जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है वो सिलेबस देख के ना उनके मन में लड्डू फूट रहा होगा, ठीक है, डेफिनेटली। लेकिन इतना याद रखिए कि जो नेट का पैटर्न है और जो हरियाणा का पैटर्न होगा या स्टेट का पैटर्न होगा, वो उसमें बहुत डिफरेंसेस रहते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग डाला गया है आपके इस एग्जाम में, नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 मार्क्स जो है आपका वो कट जाएगा, है ना। एक भी चीज, तो आपको ये नेट वाला पैटर्न के बेस पर नहीं काम करना है कि जो क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब उसको तो बनाना है, जो नहीं भी आ रहा है उसको बनाना है, नहीं। इस बार जो पैटर्न होगा जो आपका एग्जाम के लिए होगा, जिसमें डायरेक्ट जॉब वाला है, तो इसके लिए आपको पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा कि कंफर्मेशन के साथ डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी, जिसमें आपको जो क्वेश्चन आ रहा है सिर्फ उसको टिक करना है, क्योंकि अगर एक भी नेगेटिव चला गया तो भाई साहब आप पीछे हो सकते हो। तो इसका ध्यान रखना है इन सब सारे चीजों का, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस है, देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको हेमंत सर आपको बताएंगे इसका सिलेबस क्या है, कैसे डिस्कशन होगा, आप इसको इनको सुनिए, देखिए उसके बाद एक एक करके हम लोग पूरा का पूरा जो है आपका सारा यूनिट का सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल। तो जैसे कि बता रहे हैं अमित सर आप लोगों के कि नेट वाला सिलेबस ही है एग्जाम के लिए भी, पर एग्जाम का जो पैटर्न होने वाला है वो नेट के जैसा नहीं होने वाला है, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर एग्जामिनेशन को लेकर के। तो यहाँ पर डिफरेंस इस बात का है कि अगर आप एग्जाम दिए भी हैं जो भी नेट का
उसमें आप लोगों को चार ऑप्शंस देखने के लिए मिलती थी। आप लोग अगर आप आंसर कर पा रहे हैं तो भी किसी ऑप्शन को टिक करते थे, नहीं कर पा रहे हो तो भी आप तुक्का लगाते थे किसी ना किसी ऑप्शन पे। बाय द वे कोई कोई सही हो जाता था, कोई नहीं भी हो जाता था, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर आप वो चीज़ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से मार्क करना है। जिन क्वेश्चंस को आप श्योरली जान रहे हैं सिर्फ उन्हीं को मार्क करना है। लेकिन इसके साथ साथ इसके नोटिफिकेशन में एक और खास चीज दी हुई है कि जिन क्वेश्चंस को आप नहीं जान रहे हैं उसके लिए भी एक ऑप्शन दिया हुआ है और उसमें आपको टिक करना कंपलसरी है। दैट मीन्स कि अगर आप किसी क्वेश्चन को बना रहे हैं, किसी कुछ क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं और उसका आंसर नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं और उसको स्किप करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसको आपको खाली नहीं छोड़ना है, उसके लिए भी आपको एक अनदर ऑप्शन दिया हुआ है, उसको आपको मार्क करके आगे बढ़ना है। ये एक ठीक अच्छा है, चीज है। तो जो बहुत बढ़िया चीज़ है, आजकल जो पेपर लीक का मामला चला हुआ है बहुत ज़्यादा हर स्टेट के एग्जामिनेशन में, उसके लिए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जाते हैं एग्जाम में और कॉपी खाली छोड़ करके आ जाते हैं, सिर्फ अटेंडेंस बना करके, और कॉपी बाद में भर दी जाती है उनकी, तो यहाँ पर वैसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप खाली कॉपी छोड़ करके नहीं आ सकते हैं। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप एक अनदर ऑप्शन जो ई ऑप्शन दिया हुआ है उसमें मार्क करके आना ही और है। अगर आप ऐसा भी है कि अगर आप 10 क्वेश्चंस ऐसा मेंशन है आपके नोटिफिकेशन में, ऐसा मेंशन है कि अगर आप किसी भी मतलब 100 क्वेश्चन में से 10% क्वेश्चन में अगर आप खाली छोड़ देते हैं तो आपका एग्जाम से आप डिस्क्वालीफाई कर दिए हाँ जाएंगे। बिल्कुल, ये बेसिक चीज है। तो ये बहुत खास इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि आप लोग 10% से ज़्यादा क्वेश्चंस को खाली छोड़ करके ना आए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, डाउट है, जो भी है, अगर आप उसको स्किप करना चाहते हैं तो उसके पांचवें ऑप्शन में आपको मार्क करके ही आना है। ठीक है, तो यहाँ तक चलो था बेसिक सा इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी हम लोग बात करते हैं हमारे सिलेबस का, तो सिलेबस बिल्कुल नेट वाला ही सिलेबस है जो यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। पहला यूनिट है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का, दूसरा है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का, तीसरा बिजनेस इकोनॉमिक्स है, चौथा बिजनेस फाइनेंस है, पांचवा यूनिट जो है वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स का, छठा है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, सातवां है बिजनेस सॉरी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, आठवां यूनिट है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, नौवां यूनिट है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का, और दसवां इनकम टैक्स का है। तो ये सारा यूनिट्स आपका पड़ा हुआ है नेट वाले सिलेबस में भी, और सेम सिलेबस नेट वाला ही यहाँ पर हम लोग को एग्जामिनेशन के लिए दिया हुआ है। लेकिन हम लोगों को एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन करना है वो नेट के जैसा सिमिलर नहीं करना है, एग्जाम के जैसा इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको, पीसीएस एग्जाम जैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं उस तरीके से। दैट मीन्स कि आपको इसके लिए डिस्क्रिप्टिव कैसे हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन के आंसर को, उसके साथ साथ कौन कौन सा पोर्शन होगा जिसमें से एमसीक्यू आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, उसको भी एनालाइज करते हुए आपको पूरे चीजों को पढ़ना है, ताकि अगर आप उससे एमसीक्यू भी कर सके और आपका जब रिटर्न वाला एग्जाम हो तो आप रिटर्न वाला एग्जाम भी बढ़िया से सब्जेक्टिव तरीके से दे सके। हाँ, और इसके लिए हम सब मतलब हम दोनों तो अपना एफर्ट लगाने वाले हैं। मतलब हम दोनों जो है वो आपको किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। अब आपकी ये मर्जी है कि भैया आप कितने घंटे पढ़ते हो, मैं और सर मिलके फाड़ देने वाले हैं। मतलब जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा कंटेंट अवेलेबल करवा देंगे, इतना कि आपको मतलब किसी भी चीज की कमी नहीं फील होगी कि सर ये चीज हम लोग नहीं पढ़ के आए हैं, ऐसा वाला चीज फील नहीं होने देंगे हम लोग, ये डेफिनेट रही है। तो आज से इसकी शुरुआत करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए सर को मैं हैंड ओवर करूं। आज अभी सिलेबस करते हैं, हम लोग दोनों मिलकर आपको बताते हैं कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। आइए, तो सिलेबस कंप्लीट करने का जो स्ट्रैटेजी हमारा है, जो आपको किसी भी दूसरे चैनल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए, कि कुछ पोर्शंस जो है वो मैं आपको करा दूंगा, कुछ पोर्शंस जो है वो आपको अमित सर करवा देंगे, और दोनों मिलकर के आप लोगों को हर दिन एक वीडियो देंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड, और आपको एक साथ सारे वीडियो चाहिए होंगे तो उसके लिए हम लोग बहुत जल्दी कोर्स लेकर के आ रहे हैं जो हमारे एप्लीकेशन पे आपको एक साथ अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो लोग कोर्स नहीं खरीदने वाले हैं, उनके लिए भी जो वीडियोस है हर दिन आने वाली यूट्यूब पे सेम टाइमिंग पे हर दिन आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, और उतना ही इफेक्टिव मिलेगा जितना आप लोगों को एप्लीकेशन पे एक साथ मिलने वाला होगा। ओके, तो इसमें से जो बिजनेस एनवायरनमेंट वाला टॉपिक है वो मैं ले लूंगा आप लोगों का, बिजनेस इकोनॉमिक्स ले लूंगा, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स मैं लेने वाला हूँ, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और इसके साथ साथ इनकम टैक्स वाली पार्ट जो है वो मैं आपको कराने वाला हूँ। तो बाकी का जो पांच पोर्शन रह गया है वो आप लोगों को अमित सर करवाएंगे।
एक साल। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है कि सर देखिए ऐसा बात है कि हर अभी सिलेबस है बहुत ज्यादा और टाइम है कम, तो टाइम को मैनेज करते हुए कि हम कैसे इस कम चीज को कंप्लीट करें, हमने क्या किया, अपने अपने बेस्ट जो है उसको ले लिया है कि भैया सर का जो बेस्ट एकदम बेस्ट तरीके से पढ़ाना है, मस्त तरीके से आपका सिलेक्शन करवाना है। मेरा क्या है, मैं अकाउंट आपको पढ़ा दूंगा, बिजनेस फाइनेंस की एकदम जबरदस्त चर्चा करेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट एचआरएम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, लीगल एस्पेक्ट्स और मार्केटिंग इसकी चर्चा मैं कराने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं ओवरऑल, आपको देखिए सर कैसा जो सिलेबस दिया हुआ बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस का, अब इसको एक्सप्लेन करें, उसके बाद फिर जो अकाउंट्स वाला धीरे धीरे करके हम लोग दसों का एक ओवरऑल डेप्थ में देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस होने वाला है ना। आइए, तो बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस में जो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट एलिमेंट्स बिजनेस एनवायरनमेंट के देख लेंगे, फिर उसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज को देख लेंगे, इसमें मॉनेटरी पॉलिसीज एंड फिजिकल पॉलिसीज को देख लेंगे, फिर हम लोग इसके अलग अलग इन्वायरमेंट इफेक्ट को देख लेंगे, है ना, इसमें फेमा, सीएसआर और इसके इंटरनेशनल ट्रेड की जो थ्योरीज है वो सब सारे देख लेंगे, ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है और इसके जो ड्राइवर्स है उनको देख लेंगे, है ना। इसके अलावा हम लोग इसका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उनके सारे टाइप्स को, उनके सारे अलग अलग तरीके को, किस तरह से होता है, क्यों होता है, कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से आई, हर एक बात पे हम लोग बात करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग इस पे करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक की इसमें रहेगी रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज आपस में मिल करके बिजनेस को करते हैं, तो वो वाला पार्ट हम लोग देखेंगे। इसमें बहुत सारे कंट्रीज का आपस में ग्रुपिंग होता है, ग्रुप मेंबर्स होते हैं, जिसमें एशियन, सार्क, नाफ्ता, ये सब है, उन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमारे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, अंकटाड है, ये सब सारी चीज़, WTO, इन सारे में एक एक करके हम लोग अलग अलग क्लासेस पे अलग अलग बातें करेंगे, ठीक है, और पूरे डिटेल के साथ हर एक चीज़ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ओके। और दूसरा जो यूनिट है अकाउंटिंग का, वो आपको हम देखिए लोग करेंगे। अकाउंटिंग की अगर बात करें तो देखिए ये तो सबसे फेवरेट यूनिट है आप लोग का, है ना, आपका सबसे बेस्ट यूनिट माना जाता है, क्यों, क्योंकि सर ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं ना, एकदम शुरुआत वाले से, तो इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो एकदम बेसिक लेवल पर बेसिक चीजें हैं और कुछ चीजें जो है वो एडवांस लेवल पर पूछी गई है। जैसे अगर हम बात करें बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, तो हम लोग बचपन में पढ़ते आए हैं ना, सारे कॉन्सेप्ट, सारे पोस्टुलेशन, वो सारा चीज पढ़ेंगे हम लोग। पार्टनरशिप में जो है अक्सर सवाल पूछे जाने का जो चांस रहता है वो एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट से बहुत ज्यादा रहता है। क्या पूछता है सर, कैनिंग गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, फिर गुडविल का इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, डिजोल्यूशन और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर फॉर्म, इससे सवाल पूछा जाता है। अगर हम बात करें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, मतलब इशू ऑफ शेयर, फिर फोर्फीचर्स, री इशू, इससे ना बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो आपके एग्जाम में ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से, देखो हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पढ़ना है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ के आपका एग्जाम निकल सकता है, ऐसा नहीं है, ये एग्जाम आपका PCS का एग्जाम है, तो इसमें बहुत जरूरी है कि आप प्रैक्टिकल को भी ध्यान रखें, प्रैक्टिकल आपको नंबर दिलाएगा, याद रखिए PCS है, नेट नहीं, UC नेट में प्रैक्टिकल का इंपॉर्टेंस कम है, लेकिन अगर हम बात करें PCS की तो वहां पे प्रैक्टिकल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो हम प्रैक्टिकल को भी लेके साथ में चलने वाले हैं। इसके साथ साथ जो है एक्विजिशन, मर्जर, अमलगमेशन, ये इससे पढ़ने वाले हैं। अमलगमेशन दो तरीके का होता है, इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ परचेज, है ना, मर्जर और परचेज में दोनों में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ होल्डिंग कंपनी है ना, होल्डिंग कंपनी क्या होता है, सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है, ये सारा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग, एडवांस कॉस्टिंग सब कुछ है, मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, है ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। अगर हम बात करें एडवांस कॉस्टिंग में तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता है, ठीक है, उसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की, टारगेट कॉस्टिंग की, काइजन कॉस्टिंग की, सब ये जापानीज फिलोसफी है, जापानीज टेक्निक है, जिसके तहत बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको डिस्कशन करने वाले हैं। फिर हम लोग पढ़ने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें हम लोग रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे, और उसमें ऑलमोस्ट 63+ रेशियोज के फॉर्मूला है, वो आपको देखना पड़ेगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, फंड फ्लो का कैसे क्या होता है क्या, उसके बाद कुछ सवाल पूछ जाते हैं वर्किंग कैपिटल पर, है ना, तो इसको ध्यान में रखना है। नई अकाउंटिंग की नई टेक्निक जो ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग होती है, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करनी है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग से सवाल पूछे जाते हैं। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी सवाल पूछा जाता है। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो पहले हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता था, अब उसी इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मैच करते हुए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाया गया है। ऑडिटिंग पूछा जाएगा आपसे, बेसिक चीजें हैं ऑडिटिंग में, क्या देखो
पढ़ना क्या है सबको पता है, लेकिन उस पढ़ने में से भी क्या बेस्ट कंटेंट पूछा जाने वाला है वो पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए ऑडिटिंग की बात करें। ऑडिटिंग में हमसे वाउचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स पूछा जाएगा, ऑडिट पूछा जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ऑडिट रिपोर्ट चार तरीके की होती है उसको पूछा जाएगा, रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है। देखो आज के ट्रेंड में ना पहले ऑडिट नॉर्मल होती थी, अब मैनेजमेंट का भी ऑडिट होता है, एनर्जी का भी ऑडिट होता है, एनवायरमेंट का ऑडिट होता है, और सिस्टम और सेफ्टी ऑडिट, ये सारी ऑडिट्स भी अवेलेबल रहती है। तो ये अकाउंट्स का पार्ट जो है आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराया जाएगा। नेक्स्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स जो आपको सर लेंगे। आइए इसको देखिए क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स में। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में जब हम लोग बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स के टर्म के साथ साथ हम लोग को इसमें बिजनेस का भी बहुत सारे टर्म्स देखने के लिए मिलता है ना। तो जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं कि कौन कौन से थ्योरीज हैं, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होते हैं, किस तरह से हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो अभी जो हम लोग एग्जाम देने वाले हैं उसमें जो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस जो आने के चांसेस हैं और जो डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चंस के चांसेस हैं, उन दोनों ही सिचुएशंस को, दोनों ही क्वेश्चंस को हम लोग एनालाइज करते हुए इसके मीनिंग, स्कोप और बिजनेस के अलग अलग एक्टिविटीज को देखेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर पे, है ना। इसका ऑब्जेक्टिव अलग अलग टाइम पे, अलग अलग सिचुएशंस पे क्या क्या होता है, किस तरह से इसके ऑब्जेक्टिव को चेंज होते हुए दिखते हैं हम लोग हमारी इकोनॉमी में, और किस तरह से हम लोग इसको मॉडिफाई करते हैं अलग अलग सिचुएशन में, वो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग इसमें प्रीवियस जो ट्रेडिशनल थ्योरीज है डिमांड एनालिसिस की, लॉ ऑफ डिमांड की, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, है ना, मेजरमेंट रिलेशनशिप, और उसमें क्या क्या अभी चेंजेस आए हुए हैं, उसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर जो कि आज के टाइम पे हर बार रिसर्च के बाद अलग अलग थ्योरीज आते रहते हैं और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेवरेबल क्वेश्चन रहता है कि रीसेंट कंज्यूमर का बिहेवियर में क्या चेंजेस आए हैं, किस किस मॉडल्स को अप्लाई किया जा रहा है, कैसे कैसे रिजल्ट फाइंड किए जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें कंज्यूमर बिहेवियर वाले टॉपिक पे देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वेरिएबल प्रोपोर्शन में किस किस तरह के क्वेश्चन हम लोग आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, है ना, और कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको हम लोग थ्योरेटिकल वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट जो है वो अलग अलग उसके थ्योरीज अलग अलग लोगों ने दिए हुए हैं, और वो थ्योरी भी बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके के दिए हुए हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ उन थ्योरीज को कवर करना है जो फिर एग्जाम पे ज्यादा क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे इस दोनों को डिवाइड करेंगे हम लोग थ्योरीज को, और उसके बाद बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ उन थ्योरीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन पे, है ना, अलग अलग मार्केट पे अलग अलग प्राइस की जो डिटर्मिनेशन है, उन सारे प्राइस डिटर्मिनेशन को हम लोग हर एक मार्केट के हिसाब से डिस्कस करेंगे, हर एक प्रोडक्ट पे उसका क्या इफेक्ट रहता है, क्या इम्पैक्ट होता है, हर एक चीज को हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग इसके एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा पार्ट एमसीक्यू वाला पार्ट है और कौन कौन सा वाला पार्ट सब्जेक्टिव वाला पार्ट है। इसके अलावा हम लोग का इस इकोनॉमिक्स वाले में होगा लास्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी, तो हर एक प्रोडक्ट के लिए जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है वो अलग होती है, और प्राइसिंग स्ट्रेटजी का जो ऑब्जेक्टिव होता है उस प्रोडक्ट के हिसाब से होता है, उस मार्केट के हिसाब से होता है ना। इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट को भी हम लोग इंक्लूड करके दोनों को मर्ज करके देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट उसके साथ कैसा हो रहा है, हमारे डोमेस्टिक में कैसा हो रहा है, हर प्रोडक्ट में कैसा हो रहा है ना, लग्जरियस प्रोडक्ट में कैसा हो रहा है, कन्वीनियंट प्रोडक्ट में कैसा हो रहा है, तो हर एक तरीके से हम लोग इस चीज पे डिस्कशन करेंगे। ओके, हमारा जो चौथा पार्ट है वो है बिजनेस फाइनेंस का, जो अमित सर लेंगे। चलिए, तो बिजनेस फाइनेंस की अगर हम बात कर लें तो हम बेसिकली अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखा जाए तो नॉर्मली सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ा जाता है। सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा सर? डेट, इक्विटी, है ना, ये सारी चीजें हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, और भी बहुत सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसके बारे में हमें डेप्थ में चर्चा करनी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को पढ़ना है कि भैया आज का पैसा क्या फ्यूचर में वही रहेगा, फ्यूचर का पैसा आज का वैल्यू क्या है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करना है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, कितना डेट कितना इक्विटी, बिजनेस में जब ये करने चाहेंगे शुरू कर रहे हैं तो भैया हम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, कितना डेट लेंगे और कितना इक्विटी लेंगे। फिर कैपिटल बजटिंग का डिसीजन होगा कि कौन कौन से टेक्निक है, कौन कौन सा मेथड है जिसके तहत हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं,
कैपिटल इन्वेस्टिंग का डिसीजन लेते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी हमें पढ़ना है ना, डिविडेंड की थ्योरीज पढ़नी है, वॉल्टर मॉडल, गोल्डन मॉडल, ये सारी थ्योरीज को बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। रिस्क और रिटर्न का एनालिसिस करेंगे, एसेट सिक्योराइजेशन पढ़ना है, इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम को पढ़ना। देखिए नेशनल लेवल पे मॉनिटरी सिस्टम तो होती है, इंटरनेशनल लेवल पे मॉनिटरी सिस्टम कैसा है उसको पढ़ने वाले हैं। फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होने वाला है ना, फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे जिसमें एडीआर, जीडीआर और यूरो करेंसी का डिटेल में चर्चा करना है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेज की बात करते हैं, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं, ये सारा चीज आपको बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, मजे में पढ़ने वाले हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद है जो आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथड, वो सर लेंगे, है ना। आप देखिए उसके बाद बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ठीक है। तो ये मैं लेने वाला हूँ, पहले आप सर से सुनिए फटाफट इसके बारे में और उसके बाद हम आगे आगे। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड में जो चीजें हैं उसमें याद रखने वाली चीजें बहुत सारी हैं, और हम लोग इस पे खास ध्यान इस बात का रखेंगे कि हम लोग किसी चीज को आसानी से कैसे याद कर सके कि हम लोग उसको फॉर्मूला वाइज अपने अलग अलग क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सके। तो इसमें सारी चीजें जो है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वाली चीजें हैं, और कुछ कुछ चीजें हैं जो रिसर्च वाली वो याद रखने वाली चीजें हैं। तो हम लोग इसके निमोनिक्स के साथ हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं और ज्यादा देर तक याद रख सकते हैं कम टाइम पे, क्योंकि जब एग्जाम का टाइम आता है और एग्जाम के टाइम पे हम लोग क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो हम लोग को उस टाइम पे दिमाग क्लिक नहीं करता है कि इसके लिए क्या होता है, और जैसे ही हम लोग एग्जाम से बाहर आ जाते हैं तो फिर हमको याद आता है कि अरे इसके ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने छोड़ दिया। तो इसके लिए हम लोग खास ध्यान रखेंगे कि इसको हम लोग कैसे आसानी से इसको याद कर सके और इसको अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सके। तो उसके लिए हम लोग सारे प्रैक्टिकल्स जो भी पोर्शंस है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के, डिस्पोजन के, स्क्यूनेस के, है ना, कोरिलेशन के, प्रोबेबिलिटी के, तो इन सारे प्रैक्टिकल्स के लिए हम लोग इसके जो थ्योरीज होंगे और इसके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होंगे उसको हम लोग याद करने का क्या आसान सा तरीका होगा वो हम लोग देखेंगे, और फिर हम लोग इसके सारे एस्पेक्ट को क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखेंगे कि ये कितने आसानी से अप्लाई हो जा रहा है और हम लोग इसको बहुत ही कम टाइम पे सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। इसके अलावा जो रिसर्च वाला पार्ट है, अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग मेथड्स है, तो इन सारे टेस्ट को और मेथड्स को हम लोग प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के साथ देखेंगे, जिससे हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए कि हम लोग कौन सा टेस्ट कब लगाते हैं, कब इसको कब कौन सा मेथड को अप्लाई करते हैं, जिससे हम लोग का रिसर्च फाइंडिंग और कंक्लूजन तक पहुंचता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बेसिकली अगर ये यूनिट 6 की हम बात करें ना, तो उसमें तीन यूनिट दिया गया है, क्या क्या सर, एक तो बिजनेस मैनेजमेंट है, एक एचआरएम है और एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और कुछ कुछ पार्ट जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन का मिलाया गया है। अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का, तो ये सारा चीज हमें पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करनी है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, इनफॉर्मल कैसे काम करती है, उसके टाइप्स क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटी क्या होता है, डेलीगेशन किसको अथॉरिटी का डेलीगेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सारी चीज करते हैं। मोटिवेशन और लीडरशिप की थ्योरीज पढ़नी है, ऑलमोस्ट 25 थ्योरीज तो लीडरशिप का है, मोटिवेशन की थ्योरीज हैं बहुत सारी, तो वो सारा थ्योरी पढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूँ इससे क्वेश्चन सवाल 100% पूछे जाएंगे, ये एकदम पक्का वाला चीज है कि इससे सवाल पूछा जाना है, 2-3 क्वेश्चन तो पक्का आएगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स से सवाल पूछे जा सकते हैं। ये खत्म हो गया आपका मैनेजमेंट और ओबी। अब यहाँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आया, जिसमें हम शुरू करते हैं कि भैया किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को हम अपने कंपनी में कैसे लेके आते हैं। जैसे सबसे पहले हम ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं कि कितना प्लान, भैया कितना हमें ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, उस बेस पर रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होती है, डेवलपमेंट होता है, देन सक्सेशन प्लानिंग और करियर प्लानिंग होती है, फिर कंपनसेशन मैनेजमेंट होता है, ठीक है। और ये सारे चीज हमें पढ़ना है। परफॉर्मेंस अप्रेजल भी तभी देते हैं जब हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कंप्लीट करा चुके होते हैं, ठीक है। उस बेसिस पर अब कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात आती है, वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट की बात आती है। ये बात है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, कि इंडस्ट्री का रिलेशन कैसे है वर्कर्स के साथ और अपने एम्प्लॉई के साथ, है ना। इंप्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन वर्क क्या कहलाता है सर, यही तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग पढ़ना है, WPM वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट पढ़ना है, फिर पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशंस, ग्रुप डायनेमिक्स, ये सारी चीजें, पावर और पॉलिटिक्स में डिफरेंस क्या है ये पढ़ना है, कॉन्फ्लिक्ट और नेगोशिएशन पढ़ना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट को भी हमें डिफाइन करना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ये सारा चीज हमें डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। अब आइए बैंक जो है वो सर लेने वाले हैं। तो बैंक का क्या है, आप ओवरऑल देखिए क्या कह रहे हैं, आपकी कैसे पढ़ाई होगी। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो हम लोग देखने वाले हैं उसको पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर के अभी तक के सिचुएशन को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, कि हमारे 18th सेंचुरी से जब
बैंकिंग का शुरुआत हुआ, वो कैसे कैसे धीरे 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 डेवलप होते हुए यहाँ तक आके पहुँचा है और हम लोग यहाँ पर बैंकिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं। हमारी रिसेंट टाइम पे डिजिटलाइज हो गया हर चीज़, तो वो पुराने टाइम से लेकर के अभी तक के बैंकिंग के सारे रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स, बैंकिंग की डेवलपमेंट, हर एक फेज को हम लोग देखेंगे इस पे ओवरव्यू इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पे, है ना। सारे तरह के बैंक्स को देखेंगे, कॉमर्शियल बैंक हो या फिर गवर्नमेंट बैंक हो या फिर फॉरेन बैंक हो, एग्रीकल्चर बैंक हो, जितने भी तरह के बैंक है सब बैंकों के बारे में हम लोग अलग अलग हर क्लास में अलग अलग बैंकों के बारे में देखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है हमारी कंट्री का, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ हम लोग बाकी के भी सेंट्रल वर्ल्ड लेवल पे सेंट्रल बैंक्स जो हैं उन बैंक्स के भी बारे में बात करेंगे हम लोग इस टॉपिक पे। फिर है बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स क्या क्या हैं, कैसे कैसे बैंकिंग के सेक्टर में रिफॉर्म्स आए और आज तक के रिफॉर्म्स क्या 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 रहे हैं। तो जो जो भी रूल्स रेगुलेशन हम लोग आज देख रहे हैं वो एकदम से अभी तक नहीं बन गया है, वो क्या हुआ है कि कुछ कुछ कमियां आती गई हैं उसको हम लोग सुधार करते हुए यहाँ तक लेकर के आए हुए हैं। तो हम लोग देखेंगे एट द स्टार्टिंग फेज क्या थे बैंकिंग के रूल्स, क्या थे नॉर्म्स और अभी के नॉर्म्स तक हम लोग कैसे वहां तक पहुंचे हैं, ठीक है। इसमें फिर फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, उसमें देखेंगे कि आज के टाइम पे मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का क्या रोल है, क्या हम लोग को हमारी इकोनॉमी में वो कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें क्या क्या चीजें वो तो पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम लोग उसमें उसके इफेक्ट को अलग अलग इफेक्ट को सारी चीजों को अलग से पढ़ेंगे भी हम लोग। फिर है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जितने भी तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, वो सारे ही चीजों को हम लोग इस पार्ट में देखने वाले हैं। फिर है हमारा फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया, हमारे इंडिया में जितने भी फाइनेंशियल रेगुलेटरी हैं लाइक सेबी है, बैंक्स हैं, जो भी चीजें हैं, हम लोग सारे इंस्टीट्यूशन पे एक एक क्लास पे एक एक बार डिस्कशन करेंगे, है ना। फिर इसके बाद हमारे पास डिजिटलाइजेशन और इंश्योरेंस के आज के टाइम के हिसाब से जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी मॉडिफिकेशन आ रहे हैं, जो भी रेगुलेटरीज आ रहे हैं, है ना, जो भी नॉर्म्स है उन सबको देखेंगे और अभी के टाइम पे क्या उसका इम्पैक्ट है, कैसे रेगुलाइज हो रहा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा उसमें से पूछे जाते हैं, है ना, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाने पे हम लोग उसका कैसे आंसर करेंगे, वो हर एक चीज हम लोग इस वाले एस्पेक्ट पे डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखो ऐसा है ना, सिलेबस इतना टाइम लग रहा है, डेप्थ में एनालिसिस करें इस वजह से, अदरवाइज तो क्या होता है 10 मिनट में सिलेबस कम हो जाता है ना, लेकिन इसको डेप्थ में समझना बहुत जरूरी है। अगर कहा जाता है ऐसा कि अगर आप सिलेबस को डेप्थ में अच्छे से समझ जाते हो ना, तो आपका एग्जाम का आधा प्रॉब्लम यही खत्म हो जाता है ना, आधा प्रॉब्लम आपके सिलेबस में होता है। इसलिए मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि इस सिलेबस को प्रिंट आउट करा के अपने पास जरूर रखिएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा इंपैक्ट फैक्टर होता है, जब तक आपके हाथ में सिलेबस ना हो ना तब तक आपको पढ़ने में मजा नहीं आता है। और एक अच्छे स्टूडेंट की ये सबसे बड़ी पहचान होती है कि आपका सिलेबस जो है आपके हाथ में हो। चलिए अगर हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो हम कॉन्सेप्ट और अप्रोच देखेंगे कि पहले मार्केटिंग क्या होता था, अभी मार्केटिंग का अप्रोच क्या है, मार्केटिंग के चैनल्स क्या है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता था, कैसे फोर पीस काम करती है, एसटीपी पॉलिसी क्या होता है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग क्या होती है, प्रोडक्ट का डिसीजन कैसे होगा, कैसे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस क्या होती है, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कैसे ग्रोथ करता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन, ये चीजें क्या होती है, प्राइसिंग डिसीजंस देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्राइसिंग डिसीजंस है, कौन से प्राइस डिटरमिनेशन करने में पॉलिसी काम करती है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है प्राइसिंग को, प्राइसिंग पॉलिसीज क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है। फिर हम चलेंगे प्रमोशन पर कि भैया प्रमोट करना है, प्रोडक्ट बना लिए, प्राइस डिसाइड कर लिया, अब तो हमको प्रमोट करना है प्रोडक्ट को, तो प्रमोट करने के लिए बहुत कौन कौन से पॉलिसीज बनाई जाती है, कौन कौन सा एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, कौन कौन से टेक्निक्स लगाए जाते हैं। फिर है प्रमोशन मिक्स, है ना, इसके बाद प्रमोशन मिक्स के बाद अब हम देखेंगे जब सब कुछ काम हो गया, क्या किया हमने, प्रोडक्ट भी बना लिया, प्राइसिंग डिसाइड कर ली, प्रमोशन भी कर लिया, अब सब जगह सामान अवेलेबल है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन मतलब कि सर हर प्रोडक्ट, जैसे आपके ने क्या किया, मार्केट में बड़ा बड़ा बैनर लगवा दिया, पता चला जब सामान खोजे जा रहे हैं तो वो तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। अब चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल मैनेजमेंट, ये इसी का काम है। नेक्स्ट है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर की अगर हम बात करें तो एक कंज्यूमर कैसे कोई भी प्रोडक्ट को खरीदता है, इसका कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस बोलते हैं और इससे कई सवाल पूछे जाते हैं। फिर सर्विस मार्केटिंग, ट्रेंड्स इन मार्केटिंग की क्या, कौन कौन से मार्केटिंग ट्रेंड्स में, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, है ना, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट फिर मैं ही लूंगा आपका क्या है, लीगल एस्पेक्ट्स, मतलब इसमें सारे
लॉ के चीजें डाली गई है। लॉ क्या सर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट, इस पे 2 से 3 क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा, ये डेफिनेट रही है आप, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में एलिमेंट्स क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी क्या है, फ्री कंसेंट क्या होता है, ये सारा चीज, कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की भी मैं चर्चा करना है, जैसे आइडेंटिटी और गारंटी है ना, फिर बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इसकी चर्चा में डिटेल में करनी है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, सिर्फ में 1930 में आया था भाई साहब, सेल और परचेज से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं वो इसमें बताया गया है। राइट्स क्या है पेट सेलर के, वो सब सारी चीजें, राइट्स ऑफ बायर क्या होता है ये पढ़ना है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ना है 1881, कितने तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होते हैं, नेगोशिएशन क्या होता है, डिसऑनर कैसे होगा, ये सारा चीज। कंपनीज एक्ट 2013, इसकी भी चर्चा हमें करनी है, कितने तरह की कंपनीज होती है, कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैनेजमेंट क्या, मीटिंग क्या होता है, वाइंडिंग अप कैसे होता है कोई भी कंपनी का, ये सारा चीज हमें डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो भाई साहब इसको, इसका भी प्रोविजन कंपनी और ये पार्टनरशिप को देखते हुए आया है, तो ये भी एक्ट हमें डिटेल में पढ़ना है। कॉम्पिटिशन एक्ट, वेरी वेरी, उसके ऑब्जेक्टिव्स और मेन प्रोविजंस पढ़ने हैं। फिर है IT एक्ट, IT एक्ट में भाई साहब पेनल्टीज पे आप लिख लीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है, नो डाउट, ठीक है। उसके बाद है RTI एक्ट, ऑब्जेक्टिव्स और मेन प्रोविजन ये पढ़ना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे पेटेंट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट एक्ट है ना, ये सारा चीज हमें पढ़ना है। और लास्ट में पढ़ना है GST। ये हो गया आपका टोटल एक्ट, ये सारा का सारा एक्ट हम लोग बहुत मजेदार तरीके से, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। लास्ट में है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, और आज का जो है यही अंत करेंगे, सिलेबस जल्दी से देखते हैं इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स का क्या। तो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में हम लोगों की जो बहुत सारी टैक्सेस हैं जो हर साल चेंजेस होते रहती हैं, और कुछ कुछ टैक्सेस ऐसी हैं जो पुराने वाले को ही रेगुलाइज कर दिया जाता है। इसमें से हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस, इसमें कोई चेंजेस खास नहीं होती है हर साल पे, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस हमारे अलग अलग हेड्स पे, जैसे सैलरी वाले हेड पे क्या होता है कि हम लोगों को हर एक साल नया चेंजेस देखने के लिए मिलता है ना। तो इसमें अलग अलग बेसिक कॉन्सेप्ट को तो देखेंगे, उसके साथ साथ हम लोग इसके एग्जम्प्टेड इनकम, एग्रीकल्चर इनकम है ना, कंपटीशन ऑफ टैक्स हम लोग कैसे करते हैं, इसमें हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, हर एक एस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, कुछ कुछ एस्पेक्ट ऐसे होंगे जो हम लोग पहले से जो पढ़ते आ रहे हैं टैक्सेस, उसमें कोई चेंजेस के बिना ही हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कुछ कुछ टैक्स के टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसको हम लोगों को आज के टाइम के हिसाब से पढ़ना होगा, एकदम अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से पढ़ना होगा, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली वो सारे 5 हेड्स वाले चीज़ें होती हैं जिसमें कुछ कुछ चेंजेस आया वो रहता है, और इसके साथ साथ हम लोग उसके हर एक सेक्शंस को देखेंगे जो कि बहुत फेवरेबल होता है एग्जामिनेशन वाले लोगों का, कि कौन से सेक्शन पे किस चीज़ को इन्वॉल्व किया गया है। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि हर एक डिडक्शन 80C से 80U तक के सारे डिडक्शन को हम लोग देखेंगे कि हर एक डिडक्शन में कितना कितना चेंजेस हुआ है, क्या क्या अमाउंट हम लोगों को एग्जम्प्ट मिलता है, कितना पहले था कितना अभी है। इसके साथ साथ कॉर्पोरेट टैक्स का प्लानिंग कैसे कैसे करेंगे, ई फाइलिंग कैसे करते हैं हम लोग इनकम टैक्स के, रिसेंट में क्या क्या इसमें चल रहा है ना, ये सारा ही चीज़ अभी के बजट के हिसाब से भी और इसके पहले वाले बजट के हिसाब से भी, जो हमारा इनकम टैक्स का सिलेबस था उसको हम लोग एकदम अपडेटेड वे में बेहतर तरीके से करेंगे, है ना। तो ये है हमारा पूरा का पूरा सिलेबस, है ना, जिसमें हम लोग हर एक चीज़ पे बात करने वाले हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन से लेकर के डोमेस्टिक टैक्सेशन, हर एक एस्पेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए ये तो है सिलेबस, ओवरऑल डिस्कशन हो गया, अब यहां से हमारी शुरुआत होती है। अब मेहनत आपको करना है, सिलेबस डिस्कस कर दिया गया है, नेक्स्ट डे से क्लास आपके शुरू हो जाएंगे आना, और आप बस मन लगा के आप पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी ऊपर वाला सब है, सब देखता मस्त तरह से एग्जाम क्वालिफाई हुआ, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।